नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ। आप देख रहे हैं केआर न्यूज। इस समय मैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के एकम्मा हाई स्कूल परिसर में हूं। यहां सार्वजनिक सहयोग से विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जो दिनांक 26 जनवरी से आयोजित है और 3 फरवरी को इसका समापन होगा। यूं तो आज का मौसम खुशनुमा है और यज्ञ मंडप पे यहां दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की अब भीड़ उमड़ पड़ी है। मेरा निवेदन होगा, हमारे जितने ज़्यादा दर्शक देख रहे हैं वो लोग यहां ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे अपने परिवार के साथ और दर्शन कर पुण्य के भागी बने। हमने आपको इससे पहले भी दर्शन कराया था यज्ञ मंडप का और यहाँ जो सार्वजनिक सहयोग से आयोजन हो रहा है, तो हमने आपको यहाँ जो बाबा हैं जो ये आयोजित कर रहे हैं, मैंने उनसे भी बात कराया था। यहाँ संध्या में प्रवचन होता है, रामायणी जी जो आए हुए हैं जनकपुर से, नेपाल से, उनका प्रवचन होता है और यज्ञ मंडप में यज्ञ चल रहा है। आपको लग रहा होगा कि यहाँ का माहौल पूर्णतः भक्तिमय बन गया है। यहाँ जो बाबा जो आयोजन में लगे हुए मुख्य भूमिका में है, उनका नाम है, बाबा का नाम राम बालक दास जी है। मैं इनसे पूछता हूँ, यहाँ जो तैयारी है, अभी जो भीड़ उमड़ पड़ी है, बताइए तैयारी जो यहाँ पर है, भीड़ उमड़ पड़ी है और कौन बाबा आए हुए बाहर से? यहाँ से सब बाबा सब, बहुत बाबा सब आया है, पढ़ेलू के है, अयोध्या वाले सब है, काशी से विद्वान सब आए हैं, पढ़े लिखे हुए हैं, सब जगशाला में बैठे हुए हैं। हाँ, रामायणी जी भी आए हैं, प्रवचन अब 4 बजे से हम शुरू कर रहे हैं। संध्या 4 बजे से प्रवचन होता है, जो रामायणी जी हैं उनका प्रवचन का रसपान लोग यहाँ करते हैं और यहाँ जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, खास करके बच्चे पहुँचते हैं, उसके मनोरंजन के लिए यहाँ झूला का भी प्रबंध किया गया है और यहाँ यज्ञ मंडप के पास दर्जनों देवी देवताओं की मूर्ति प्रतिमा स्थापित की गई है, जो आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहेंगे जो जिधर ये प्रतिमा बनी हुई है, थोड़ा थोड़ा उस तरफ आप कैमरा को दिखाएं, घुमाएं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ देखने को मिला है कि राजा हरिश्चंद और उनकी पत्नी, राजा हरिश्चंद की पत्नी का नाम तारामती, जो श्मशान में और अपने बच्चे के लिए जो पहुंची थी, उसके प्रतिमा को बनाया गया है, जो आकर्षण का केंद्र यहाँ बना हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पहुँचे और यहाँ यज्ञ का जो चल रहा है उसका दर्शन कर पुण्य के भागी बने। जो विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है और कौन कौन इसमें सहयोग कर रहे हैं ग्रामीण लोग, इसके बारे में मैं यहाँ के निवासी और समाज से भी मिंटू जी हैं, मैं उनसे पूछता हूँ। मिंटू जी, कौन कौन सहयोग कर रहे हैं इसमें? इसमें तो हमारे समस्त ग्रामवासी है, कमा के समस्त ग्रामवासी जी। कुछ लोगों का नाम बताइए। जैसे हमारे मुखिया प्रतिनिधि हो गए चंदन पटेल, उपिंदर माट साहब, हमारे फेकन जी, सुभाष, बिक्की और समस्त जो भी नौजवान है, और जदयू के प्रखंड अध्यक्ष पप्पू पटेल जी, उप प्रमुख संजय पटेल जी, उसके बाद बीनू पटेल जी और कुछ और लोग जो हैं, सब सहयोग कर रहे हैं कार्यक्रम को सफल बनाने में और यहाँ अत्यधिक संख्या में लोग अब पहुँचना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको यज्ञ मंडप पर जो यज्ञ हो रहा है उसका भी आपको दर्शन करा देता हूँ। यज्ञ मंडप की तरफ हम बढ़ रहे हैं, यहाँ यज्ञ मंडप पे लोग यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और प्रधान पंडित जो है यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। यहाँ यजमान बैठे हुए हैं और ये मैं चाहूँगा कि अपने आवाज़ को थोड़ा धीमा करके बोलूँ ताकि यहाँ विघ्न हो। यहाँ विष्णु जी और लक्ष्मी महारानी ये शेष नाग पे बैठे हुए हैं, सामने में ये भोला बाबा का निर्माण किया गया है जो आकर्षक लग रहा है। आप सभी दर्शकों से मैं विनती करता हूँ कि जरूर आएं और दर्शन करें। यहाँ यज्ञ मंडप पे जो यजमान बैठे हुए हैं वो
उस तरफ से थोड़ा सा ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ और सामने में प्रकांड पंडित यज्ञ संपन्न करवा रहे हैं। यहाँ जो यज्ञ संपन्न हो रहा है ये विद्वान पंडित के द्वारा प्रवचन किया जा रहा है, उसका 2 मिनट जरूर गौर से सुने उनकी अमृत वाणी को। यज्ञ मंडप के चारों तरफ महिलाएं श्रद्धालु भक्त परिक्रमा करते हुए नजर आ रही हैं और यहाँ आप देख सकते हैं महिलाएं कम से कम 11 या 5 बार यज्ञ मंडप का परिक्रमा करके अपने परिवार और समाज की रक्षा हेतु भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं और जो देवी देवता का यहाँ प्रतिमा स्थापित किया गया है उनसे आशीर्वाद लेके अपने जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं। तो एक बार और हम निवेदन करते हैं कि यह आयोजन राजनगर एकम्मा उच्च विद्यालय परिसर में 3 फरवरी तक आयोजित है। आप अपने समस्त परिवार के साथ अपने व्यस्तम समय से कुछ समय निकाल के आए और दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। हम मिलते हैं अगले खबर के लिए, तब तक आप देखते रहिए केआर न्यूज अपने सहयोगी सतीश कुमार के साथ एकम्मा गांव से। फिर आप हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके सब्सक्राइब करने से बढ़ेगा हमारा हौसला।